पीपल एंड हिस्ट्री के लेटेस्ट बायोग्राफी अलर्ट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये कहानी है एक ऐसी अभिनेत्री की जिसने जरा हट के फिल्मों में काम किया, पढ़ाई लिखाई भी कुछ इस तरह की जिससे समाज में ये योगदान दे सकें। नाम है इनका नंदिता दास। जन्म हुआ 7 नवंबर सन 1969 में। इनके पिता जतिन दास एक पेंटर हैं और माँ वर्षा दास एक लेखिका। हालांकि इनका जन्म तो मुंबई में हुआ, लेकिन ज्यादातर बचपन इनका बीता दिल्ली में। दिल्ली के ही सरदार पटेल विद्यालय में इनकी पढ़ाई लिखाई हुई। उसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय के मिरांडा हाउस कॉलेज से इन्होंने ज्योग्राफी में ग्रेजुएशन की। दिल्ली में ही दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क में इन्होंने मास्टर्स डिग्री हासिल की। वाकई ये अभिनेत्री भी हैं, फिल्म डायरेक्टर भी और लेखिका भी। इन्होंने तकरीबन 40 फीचर फिल्मों में काम किया, जिसमें बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ इन्हें काम करने का मौका मिला। मृणाल सेन, अदूर गोपाल कृष्णन, श्याम बेनेगल, दीपा मेहता और मणिरत्नम। दरअसल ये रंगमंच से जुड़ी रहीं। दिल्ली के एक थिएटर ग्रुप जन नाट्य मंच के साथ इनका गहरा संबंध रहा। इन्होंने कुछ वक्त के लिए ऋषि वैली स्कूल में पढ़ाया भी। सन 1996 में आई फिल्म जिसका नाम रहा फायर, जिसने बहुत बड़ा विवाद खड़ा कर दिया था, उसमें समलैंगिकता के बारे में बात की गई थी। इस फिल्म में इनके साथ थी शबाना आजमी। नंदिता दास वाकई बड़ी दिलेर अभिनेत्री रहीं। इन्होंने उस किरदार के लिए अपना सर तक मुंडवा लिया था। हालांकि जगमोहन मुंद्रा की फिल्म बवंडर में इनका अभिनय देखते ही बनता था, जो कि एक सत्य घटना पर आधारित थी। बलात्कार पीड़ित एक महिला किस तरह से कोर्ट का सामना करती है, उन जज्बातों को नंदिता दास ने पर्दे पर बखूबी उतारा था। इन्होंने अलग अलग भाषाओं की फिल्मों में काम किया है, अंग्रेजी, हिंदी, बंगाली, मलयालम, तमिल, तेलुगु, उर्दू, मराठी, उड़िया एवं कन्नड़ा। रंगमंच से भी ये जुड़ी रहीं। सिनेमा में भी इनका योगदान वाकई सराहनीय है। एक नाटक रहा बिटवीन द लाइंस, जिसकी ये सह लेखिका रहीं। सन 2018 में इन्होंने ऐसी फिल्म बनाई जिसने सबका मन मोह लिया। ये फिल्म उर्दू अफसाना निगार सादत हसन मंटो के जीवन पर आधारित थी, जिसमें मुख्य भूमिका निभाई थी नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने। चूंकि ये मास्टर्स इन सोशल वर्क हैं, तो इन्होंने सामाजिक योगदान में भी अपने कदम पीछे न हटाए। बच्चों के अधिकारों के लिए इन्होंने काम किया, HIV और एड्स के अवेयरनेस के लिए इन्होंने काम किया। ये बात भी गौर करने लायक है, ये चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन भी रहीं। एक बड़ा ही अनोखा कैंपेन इन्होंने शुरू किया था, जिसका नाम रहा डार्क इज ब्यूटिफुल। देश में विदेश में बहुत सी जगह इन्हें बुलाया जाता है, इनके लेक्चर्स सुने जाते हैं। और कमर्शियल सिनेमा की बात करें, सो 1947 अर्थ रही, या फिर फायर, या फिर अक्स। इनके निजी जीवन की तरफ रुख करें तो पता चलता है कि इनका विवाह हुआ सौम्य सेन से। हालांकि इनकी शादी ज्यादा लंबी ना चली। सन 2002 में विवाह हुआ और 2007 में तलाक। इनका दूसरा विवाह हुआ सुबोध मस्कारा से। इस शादी से इन्हें एक बेटा हुआ, जिसका नाम रखा गया विहान। यकीनन इनके अभिनय के लिए इन्हें कई अवार्ड से भी नवाजा गया। भारतीय कला के इतिहास में इनका नाम सदैव गर्व से लिया जाएगा। महान प्रतिभाओं के जीवन के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें पीपल एंड हिस्ट्री।